नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल एजुकेटेड बींग्स पर। तो चलिए शुरू करते हैं आज जो कंडक्टर का पेपर करवाया गया उसकी क्वेश्चन आंसर डिस्कशन। तो पहला क्वेश्चन था कि जब किसी यात्री को सांस नहीं आ रही हो तो आपको क्या करना है, उसे तुरंत CPR देना है। ठीक है, स्वच्छता, शारीरिक व्यायाम, आराम, नींद किसका हिस्सा है? तो ये सभी हिस्सा है व्यक्तिगत स्वच्छता का, पर्सनल हाइजीन का। ऑन्कोलॉजी, ऑन्कोलॉजी जो है ये होती है स्टडी ऑफ ट्यूमर्स। ठीक है, अगला क्वेश्चन था आपको, ग्वाइटर इज कॉज्ड बाय डेफिशिएंसी ऑफ। तो ग्वाइटर जो है ये होता है आयोडीन की डेफिशिएंसी से। कंडक्टर का लाइसेंस किस धारा के तहत प्रदान किया जाता है? तो ये प्रदान किया जाता है धारा 30 के तहत। ठीक है, एवरी एप्लीकेशन फॉर कंडक्टर्स लाइसेंस शैल बी अकम्पनीड बाय अ डैश सर्टिफिकेट। तो इसके लिए जरूरी होता है मेडिकल सर्टिफिकेट। ठीक है, बीमारी या विकलांगता के आधार पर कंडक्टर के लाइसेंस को रद्द करने का प्रावधान इस अनुभाग के तहत किया गया है। तो ये अनुभाग है 32। ठीक है, अच्छा अगला क्वेश्चन था कि अंडर द मोटर व्हीकल एक्ट 1988 व्हाट इज़ द लोएस्ट एज फॉर द ड्राइवर टू ड्राइव ट्रांसपोर्ट व्हीकल अदर देन ट्रांसपोर्ट व्हीकल बिलोंगिंग टू द सेंट्रल गवर्नमेंट। देखिए ये जो क्वेश्चन है ना, इसका वैसे अकॉर्डिंग टू अस जो हमारे हिसाब से जो आंसर होगा वो 21 होगा, बट स्टिल अवेट करेंगे ऑफिशियल आंसर की का। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन था कि सड़क सुरक्षा के संदर्भ में गोल्डन आवर, ठीक है, शब्द से आप क्या समझते हैं? तो गोल्डन आवर जो होता है ये क्या होता है, ये ट्रॉमा के बाद किसी एक्सीडेंट के बाद वो समय होता है जिस वक्त में अगर जो विक्टिम है उसको प्रॉपर केयर मिल जाए तो जो उसकी मौत के बोल सकते हैं या चोटों के जो है वो सबसे कम संभावना रहती है। आघात के बाद का पहला घंटा जिसमें यदि उचित प्राथमिक उपचार दिया जाए तो दुर्घटना पीड़ित के जीवित रहने और चोटों में कमी की अधिकांश संभावना होती है। नेशनल रोड सेफ्टी वीक इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर बिटवीन जनवरी 11 to 17। अच्छा, हैजार्ड वार्निंग लाइट्स शुड बी यूज्ड व्हेन द व्हीकल इज ब्रोकन डाउन एंड कॉजिंग एन ऑब्स्ट्रक्शन। पैन इंडिया इमरजेंसी नंबर फॉर फायर पुलिस एम्बुलेंस, इन सब के लिए जो नंबर यूज़ किया जाता है वो है 112। ठीक है, राज्य के अंदर और बाहर सभी प्रकार की बसों, वॉल्वो, एसी बसों सहित पर मुफ्त यात्रा के लिए कौन पात्र हैं? तो इसका आंसर जो है वैसे बी है, बट ए भी कुछ हद तक ठीक है, तो इसके लिए ए और बी में डाउट है, बट 80% आप बी के साथ जा सकते हैं, बट फिर भी हम वेट करेंगे ऑफिशियल आंसर की का। अच्छा, जो क्वेश्चन नंबर 14 है इसका भी प्रॉपर आंसर हमें नहीं मिल पाया है, बट अगर आपको इसका आंसर मिलता है तो प्लीज़ कमेंट करें कमेंट बॉक्स में। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 5 साल से कम आयु के बच्चों के लिए किसी भी प्रकार की बस पर सफ़र करते समय कितना किराया नियम क्या है? तो वे मुफ्त सफ़र कर सकते हैं। व्हाट इज़ द डिस्काउंट ऑफर टू स्मार्ट कार्ड होल्डर्स फॉर ट्रैवलिंग इन HRTC बसेस? तो स्मार्ट कार्ड होल्डर्स को दिया जाता है 10% डिस्काउंट। हु कैन परचेज द सम्मान कार्ड फॉर ट्रैवल इन HRTC बसेस? तो ये जो सम्मान कार्ड है ये दिया जाता है केवल वरिष्ठ नागरिकों को, सीनियर सिटीजन्स को। What should a driver do when they encounter a pedestrian crossing sign? है ना, जब pedestrian crossing sign अगर आपको मिलता है कि पैदल सड़क पार के संकेत पर जो है ड्राइवर को क्या करना चाहिए? तो क्या करना चाहिए, स्लो डाउन एंड बी प्रिपेयर टू स्टॉप फॉर द pedestrians. What does a yield to pedestrians sign at crosswalk means? ठीक है, तो इसका मतलब जो होता है ये, इसका मतलब ये होता है स्लो डाउन एंड yield to pedestrians इन द क्रॉसवॉक। जो नेक्स्ट क्वेश्चन था आपका, क्वेश्चन नंबर 20, उस पर था कि व्हाट शुड डू यू डू व्हेन यू एनकाउंटर अ स्लिपरी रोड अहेड साइन। जब आपको ये साइन मिलता है कि आगे स्लिपरी सड़क है तो आपको क्या करना चाहिए, आपको क्या करना चाहिए, कीप अ सेफ फॉलोइंग डिस्टेंस, एक सुरक्षित अनुसरण दूरी बनाए रखें। अच्छा, इसमें पूछा गया था कि इनकोरेक्ट कौन सा है, तो दिस वन इज़ इनकोरेक्ट, डी ऑप्शन। ठीक है, अगला क्वेश्चन था What was the initial name of Road Transport Corporation formed in Himachal Pradesh after the merger of 33 hilly states in 1948? तो इसका नाम था मंडी कुल्लू रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन। अच्छा, अगला था हिमाचल सरकारी परिवहन और मंडी कुल्लू सड़क परिवहन निगम का मर्जर कब हुआ जिससे हिमाचल सड़क परिवहन निगम का गठन हुआ? तो इसका आंसर है 1974 में। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन था कौन एक वर्ष में राज्य के अंदर साधारण बसों में यात्रा के लिए 6 मुफ्त पास के पात्र हैं? ठीक है, तो इसके पात्र होते हैं राज्य पुरस्कृत शिक्षक। व्हाट परसेंटेज ऑफ टिकट अमाउंट विल बी रिड्यूस्ड इफ एन ई टिकट इज कैंसल्ड विद इन 4 to 12 hours प्रायर टू द डिपार्चर टाइम ऑफ बस फ्रॉम ओरिजिनेटिंग स्टेशन? तो यदि एक बस के मूल स्थान से जाने से पहले 4 से 12 घंटे के अंदर ई टिकट रद्द किया जाता है तो टिकट की राशि में से कितना प्रतिशत कटौती की जाएगी? तो इसका आंसर है 25%। अच्छा, जो क्वेश्चन नंबर 26 है इसका जो राइट आंसर है आपका ये है ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 27 जो था ये है कि विच ऑफ द फॉलोइंग साइन इंडिकेट्स दैट देयर इज अ वाइल्ड एनिमल क्रॉसिंग अहेड? तो इसका आंसर होगा ऑल ऑफ द अबव। अगला क्वेश्चन था मैक्सिमम पेनल्टी फॉर ड्रंकन ड्राइविंग अंडर द मोटर व्हीकल अमेंडमेंट एक्ट 2019, तो इसका आंसर है 10,000 रुपये। जो अगला आपका क्वेश्चन था 29 नंबर, वो क्वेश्चन था
कि व्हाट इज़ द न्यू कंपनसेशन स्कीम फॉर रोड एक्सीडेंट विक्टिम्स इंट्रोड्यूस्ड बाय द मोटर व्हीकल अमेंडमेंट एक्ट 2019। तो इसका ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30, मोटर वाहन संशोधन अधिनियम 2019 के तहत बिना लाइसेंस के वाहन चलाने के लिए अधिकतम जुर्माना क्या है? तो अधिकतम जुर्माना है 5,000 रुपये। डिस्कस करते हैं हम मैथ्स सेक्शन जो था उसको। तो मैथ्स के जो क्वेश्चंस हैं उसके आपको सॉल्यूशंस का जो डिस्कशन है वो प्रॉपर बाद में जो डिस्कशन वीडियो आएगी उसमें बताएंगे, अभी सिर्फ हम आंसर चेक करेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर जो 31 था उसका जो करेक्ट आंसर था वो था आपका ऑप्शन सी। ठीक है, ग्रेटेस्ट नंबर लेस दैन 900 विच इज़ डिविजिबल बाय 18, 12 and 28। क्वेश्चन नंबर 32, स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन, सबसे छोटी भिन्न कौन सी है? तो ये है आपकी ऑप्शन बी 19/36। क्वेश्चन नंबर 33 का जो सही आंसर था वो है ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 34 का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी 16। क्वेश्चन नंबर 35 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 36 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 37 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए। 38 का आंसर है ऑप्शन बी। 39 का आंसर है ऑप्शन सी। 40 का आंसर है ऑप्शन सी। 41 जो था यहाँ से आपकी रीजनिंग स्टार्ट हो गई है ना। एक महिला को संकेत से दिखाते हुए राम प्रकाश बोला, उस महिला की पुत्री है जो कि मेरी माता के पति की माता है, तब यह महिला राम प्रकाश की है। तो इसका आंसर है आंटी। क्वेश्चन नंबर 42 का जो करेक्ट आंसर है वो है 32। क्वेश्चन नंबर 43 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए मंडे। 44 मिसिंग नंबर जो था ये फाइंड आउट करना था, इसका करेक्ट आंसर था ऑप्शन सी 54। क्वेश्चन नंबर 45, डॉक्टर जैसे नर्स से रिलेटेड है वैसे ही फॉलोअर रिलेटेड है लीडर से। ठीक है, इसके बाद जो था ये आपको एक पजल क्वेश्चन था। ठीक है, तो इसका जो 46 का करेक्ट आंसर है कि ये होगा ऑप्शन ए 54। क्वेश्चन नंबर 47 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। 48 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। 49 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। 50 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अच्छा, अब यहाँ से शुरू होता है जी के सेक्शन। रोहतांग पास इज़ लोकेटेड इन पीर पंजाल रेंज। रोहतांग दर्रा जो है वो पीर पंजाल श्रेणी में है। अगला जो क्वेश्चन था वो था, शिमला रोड रेडियो स्टेशन कब स्थापित किया गया? 1955 में। हिमाचल प्रदेश की किस घाटी को शहद उत्पादन के लिए जाना जाता है? तो ये है चंबा वैली। विच प्लेस वॉज कॉल्ड नगरकोट इन द एंशियंट पीरियड इन हिमाचल प्रदेश? तो नगरकोट था पुराना नाम कांगड़ा का। हु इज़ द पद्मश्री अवार्डी? इनमें से कौन सा पद्मश्री अवार्डी है, किसको पद्मश्री अवार्ड मिला है? वो है नेकराम शर्मा 2022-23 में। अच्छा, ये डिस्ट्रिक्ट का सिक्वेंस बताना था आपने, फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, लाइक सबसे ऊपर कौन है और नॉर्थ टू साउथ। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर था वो है ऑप्शन नंबर डी, कांगड़ा, उसके नीचे मंडी, मंडी के नीचे शिमला और शिमला के नीचे सिरमौर। ठीक है, अब है क्वेश्चन नंबर 57। तो इसमें जो था वो डैम और कौन सी रिवर के ऊपर बिल्ड किया गया है? तो इसका बी ऑप्शन करेक्ट आंसर था। ठीक है, अच्छा, टॉप थ्री डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ हिमाचल प्रदेश इन डिस्ट्रिक्ट गुड गवर्नेंस इंडेक्स 2021। 58 क्वेश्चन जो था इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, कांगड़ा, बिलासपुर एंड ऊना। अकॉर्डिंग टू HP इकोनॉमिक सर्वे 2022-23 विच इज़ द एरिया ऑफ ऑपरेशन ऑफ होल्डिंग्स ऑफ हिमाचल प्रदेश? 59 क्वेश्चन, इसका करेक्ट आंसर है 9.44 लाख हेक्टेयर्स। अच्छा, जो 60 नंबर क्वेश्चन है आपका, उसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी 61। हाउ मैनी मेडल्स इंडिया वॉन इन एशियन पैरा गेम्स 2023 हेल्ड इन चाइना? तो 111 मेडल। वाटर बॉडीज सेपरेट द अंडमान फ्रॉम निकोबार? अंडमान को निकोबार से कौन सी बॉडी सेपरेट करती है? 10° चैनल। फरक्का प्रोजेक्ट जो है ये रिलेटेड है गंगा रिवर से। अरेंज द फॉलोइंग रिवर्स फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, सेम वही क्वेश्चन उसी टाइप का। तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा ये होगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 65 का जो करेक्ट आंसर है कि ये वाली डिस्ट्रिक्ट जो हैं कौन सी स्टेट के अंदर है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 66, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट रिसीव्स फ्लड्स इन द विंटर मंथ? तो ये है तमिलनाडु। गाजा स्ट्रिप इज रिलेटेड विद? क्वेश्चन नंबर 67, मेडिटेरेनियन सी। क्वेश्चन नंबर 68, व्हाट इज़ द नेम ऑफ इज़राइल पार्लियामेंट? तो इसका नाम है कैनिसेट। व्हाट इज़ द ओल्ड नेम ऑफ ताइवान? तो ताइवान का ओल्ड नेम जो है वो है फॉर्मोसा। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जेक्ट इज इन मोशन? गतिशील अवस्था में है घड़ी में सेकंड की सुई। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये यहाँ से आपका इंग्लिश सेक्शन स्टार्ट होता है, तो फिल इन द ब्लैंक्स।
तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन डी, तारा वॉन्टेड मी टू राइट हर नेम बट नीदर ऑफ अस हैड एनी पेपर टू राइट ऑन। क्वेश्चन नंबर 72, इफ आई हैड सबमिटेड द फॉर्म इन टाइम दे वुड हैव इशूड द एडमिट कार्ड, ऑप्शन ए। ये जो है ये फिल इन द ब्लैंक्स था क्वेश्चन नंबर 73, तो इसमें आएगा लुक्स। क्वेश्चन नंबर 74 का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, 75 का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, क्वेश्चन नंबर 76 का जो करेक्ट आंसर होगा दैट इज ऑप्शन सी, 77 क्वेश्चन सिनोनिम फाइंड करना था आपको एक्सटेंसिव का तो ये है वाइड स्प्रेड, क्वेश्चन नंबर 78 एंटोनिम अफॉर्म का डिनाई, 79 आफ्टर सीइंग द रिजल्ट ही पुल्ड अ लॉन्ग फेस, तो ही पुल्ड अ लॉन्ग फेस जो है इसका जो मतलब होता है ही लुक्ड ग्लूमी, वो बहुत उदास दिखा, ठीक है। अच्छा, वन वर्ड सब्सटीट्यूशन था क्वेश्चन नंबर 80, दैट विच इज़ नॉट परमिटेड फॉरबिडन, ऑप्शन ए, ठीक है। अब स्टार्ट होता है आपका हिंदी सेक्शन, तो हिंदी में क्वेश्चन नंबर 81, जो इंद्रिगोचर हो, यहाँ एक शब्द क्या होगा प्रत्यक्ष, मंगल का अर्थ नहीं है मूल्यवान, कौन सा समानार्थक शब्द नहीं है धरित्री, कौन सा अशुद्ध शब्द है सन्यासी, कौन सी अशुद्ध संधि है जगन्नाथ, महाप्राण ध्वनि को चुनिए 86 क्वेश्चन फ। क्वेश्चन नंबर 87, कौन सा विकल्प व्याकरण का मुख्य भाग नहीं है संधि व्यवस्था, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 88, कौन सी भाववाचक संज्ञा नहीं है वत्सल्य। अच्छा, निम्नलिखित में से तद्भव शब्द चुनिए, क्वेश्चन नंबर 89 कंगन, निम्न में से कौन सा शब्द नाविक का पर्यायवाची नहीं है, क्वेश्चन नंबर 90, तो इसका करेक्ट आंसर होगा तरिणी, शाश्वत शब्द का सही विलोम शब्द चुनिए, तो ये होता है क्षणिक, क्वेश्चन नंबर 91 था। क्वेश्चन नंबर 92, इन विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ हिंदी बीन एक्सेप्टेड एज द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द यूनियन ऑफ इंडिया, तो ये है आर्टिकल 343(1). अच्छा, अगला क्वेश्चन था कि व्हेन डीलिंग विद एन अनकॉन्शियस कैजुअलिटी यू शुड चेक अप टू हाउ मेनी सेकेंड्स फॉर नॉर्मल ब्रीदिंग, कि अगर कोई अचेतन व्यक्ति है तो कितनी देर तक आपको उसकी सामान्य सांस के लिए जाँच करनी है, तो ये है 10 सेकेंड, मैक्सिमम 10 सेकेंड्स फॉर नॉर्मल ब्रीदिंग आपको वेट करना है। अच्छा, CPR में जो कंप्रेशन और ब्रीथ की रेशो है वो कितनी होनी चाहिए, तो दैट इज़ 30 कंप्रेशंस एंड 2 ब्रेथ्स, ठीक है। अच्छा, प्राइमरी सर्वे का करेक्ट जो सीक्वेंस होता है वो कौन सा होता है, डेंजर रिस्पांस एयरवे ब्रीदिंग, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 96, व्हाट इज़ नॉट अ साइन ऑफ शॉक, सदमे का क्या लक्षण नहीं है, तो ये होगा पेल क्लैमी स्किन, पीली चिपचिपी त्वचा। व्हाट आर द सिम्टम्स ऑफ थर्ड डिग्री बर्न, थर्ड डिग्री बर्न के क्या लक्षण हैं, तो यहाँ क्या होगा, जली हुई त्वचा होगी और कोई दर्द हमें महसूस नहीं होगा। सिम्टम्स ऑफ हाइपोथर्मिया, तो हाइपोथर्मिया के जो सिम्टम हैं वो है ठंडा थका हुआ कंप कंपी वाला और असामान्य व्यवहार करने वाला, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 99, व्हाट इज़ द फर्स्ट थिंग यू शुड डू फॉर सीवियर ब्लीडिंग, जब बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो रही है तो सबसे पहले आपको क्या करना है, साफ कपड़े या हाथ से सीधा दबाव डालें। क्वेश्चन नंबर 100, व्हाट इज़ द मेन पर्पज ऑफ हेमलिच प्रोसीजर, तो इसका जो मेन पर्पज़ होता है वो होता है टू रिमूव अ ब्लॉकेज इन द विक्टिम्स एयरवे, जैसे जो हमारा एयरवे है उसमें अगर कोई ब्लॉकेज है तो उसको रिमूव करना, ठीक है। थैंक यू।